ये हमने नेनुआ की खेती की है, जिसको आप घ्योरा भी बोलते हैं, और कुछ जगहों पे इसे झींगा भी कहा जाता है। ये उत्तर बिहार में खाने में सब्ज़ी का एक मुख्य वैरायटी में आता है। स्वास्थ्य के हिसाब से काफ़ी लाभदायक है, इसके काफ़ी औषधीय गुण हैं, जैसे ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, झुर्रियाँ कम करता है, डायबिटीज पेशेंट के लिए ये बहुत लाभकारी है। इसमें देखिए कुछ में फंगल डिजीज़ डेवलप हो गया है, अगर कोई देख रहे हैं और इसके बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में दें। वैसे अभी धूप कम होने से फल कम है, जैसे जैसे धूप का मौसम इसके एक उत्तम पैदावार के लिए धूप वाला मौसम चाहिए। अभी बारिश का सीज़न है इसलिए कम फल लग रहे हैं। ये देखिए पौधा अच्छा है, काफ़ी सारे फूल निकले हैं, इसमें भी कुछ फ्रूट फ्लाई। ये देखिए भौरा पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मधुमक्खियाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर मधुमक्खियाँ ना हो तो पूरे धरती पेड़ पौधों के बिना हो जाएगी। काफ़ी सारे फूल अभी निकले हैं, इसी से जितने फूल होंगे सब में फल हो ये ज़रूरी नहीं है, जितने फूल में पॉलिनेशन होगा फल होगा। और कीट पतंगों से आप कितना बचा पाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि फल कितना रहेगा। इसके अलान के लिए मैं एक वीडियो पहले डाला था, तो आप लोग इसे